हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मॉनसून का सीज़न स्टार्ट हो ही गया है, यानी आपको एनवायरनमेंट के अंदर हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, लेकिन आपको ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर हो जाएगी कि एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमस बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, या जिसको हम हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं। बेसिकली ये जो ह्यूमिडिटी होती है आपके डॉग की बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया को एक लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, यानी आपके डॉग की बॉडी के ऊपर किसी ना किसी तरह का कोई बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है इस सीजन के दौरान। और मैक्सिमम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि जो एक्टो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे हमारी टिक्स हैं, मेंजिस हैं, माइट्स हैं, फ्लीज हैं, आपके डॉग की बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अफेक्टेड करते हैं। तो इस रेनी सीजन के दौरान आपको अवेयर ज़रूर रहना है अपने डॉग की लाइफ को लेके, अपने डॉग की हेल्थ को लेके। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि डॉग के ईयर को हमको किस तरह क्लीन करना है इस रेनी सीजन के दौरान। अब बेसिकली ईयर को क्लीन करने का मेन रीज़न ये है, अब जैसे सीजन है, पहले गर्मियों का सीजन था, अब जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश आई है तो एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ठंडा होना लग गया है। अब बेसिकली ठंडे होने की वजह से आपके डॉग की जो ईयर्स जो होते हैं ना, उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है। अब आप अपने डॉग को बाथिंग प्रोवाइड करते हो, लेकिन आप अच्छे से बाथिंग प्रोवाइड नहीं करते हो, आप ईयर्स को क्लीन नहीं कर पाते हो। तो ईयर्स को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर ईयर्स को आपने क्लीन नहीं किया तो ईयर के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकती है या फंजाई ग्रोथ कर सकती है, यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके डॉग के ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। और कई बार आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि सर मेरा जो डॉग है ना, पंजों से अपने डॉग के जो खुद के जो कान जो होते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में इचिंग करता है। तो उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि डॉग की एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर कोई टिक्स वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट ना हो, लेकिन वो इंटरनली प्रेजेंट तो हो सकता है। तो आपको अपने डॉग के ईयर्स को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किस तरह क्लीन करना है वो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो एक प्रोडक्ट है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, एमबी फ्लश के नाम से, ये मेरे हाथ में आपको देख रहा होगा ना एक प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, छोटा सा प्रोडक्ट है और इजीली अवेलेबल हो जाएगा, 200 समथिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, 200 रुपए का। इसमें जो साल्ट पाया जाता है, क्लोरहेक्सीन ग्लूकोनेट है, ईयर क्लींसर फ्लश सॉल्यूशन है। इसका जो जिक्र है ना, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर किया है। तो आपको क्या करना है, ये एक ना सॉल्यूशन है, बेसिकली एक लिक्विड है। आपको क्या करना है, एक कॉटन लेनी है, कॉटन से आपको इसको भिगो लेना है, यानी इसके ऊपर आप कॉटन को भिगो लोगे ना, इस पे डाल के फिर जो डॉग के जो ईयर्स जो होते हैं अच्छे से उसको क्लीन कीजिए। जितनी भी जो डस्ट पार्टिकल है, जो भी वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है, सारी की सारी हट जाएगी। दिन में आपको 2 बार ये प्रोसेस करनी है इस रेनी सीजन के दौरान, और अल्टरनेटिवली डेज पे कीजिए। हफ्ते में आप अल्टरनेटिव डेज को कंटिन्यू करेंगे तो आपके डॉग के ईयर्स के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अमेजोन के ऊपर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आज ही ऑर्डर कर दो, 4 या 5 दिन के अंदर आपके घर पर पहुंच जाएगा। और आज से ही अगर आपके नियर बाय में अवेलेबल होता है तो वहां से लाके आज से ही अपने डॉग के ईयर्स को क्लीन करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ईयर्स को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ईयर्स एक बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करते हैं, हमारी डॉग की पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कई बार डॉग के जो कान के जो पर्दे हैं वो फट जाते हैं, जिससे उसके कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत सारे सेवियर ऐसे केसेस हो सकते हैं जो कि ईयर से रिलेटेड हो, ईयर इन्फेक्शन से रिलेटेड हो। अगर आपने इस प्रोडक्ट का यूज किया तो आपके डॉग के ईयर्स के अंदर जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, जो भी डस्ट पार्टिकल है, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन है, सभी से प्रोटेक्शन मिलेगी। और इसका 100% रिजल्ट है, बेहतर रिजल्ट है। कोई भी ईयर ड्रॉप नहीं डालना, किसी भी तरह की और कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ आपको अपने डॉग की ईयर क्लींसर की हेल्प से ईयर्स को क्लीन करना है, ताकि आपके डॉग की लाइफ बची रहे और आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ईयर से रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।